गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के किसानों का आंदोलन छोड़कर नाना के घर चले गए हैं। अब इसे कांग्रेस का स्थापना दिवस माने या विसर्जन दिवस माना जाए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना विदेशी ने की थी, इसलिए हो सकता है इसका तर्पण करने हुए इटली गए हूँ। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस का आंदोलन छोड़कर इटली चले गए हैं, वे अपने नाना के घर गए हैं। उनका इटली जाना यह सिद्ध करता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बात सही है, उद्धव ठाकरे की बात सही है, वे 55 के हो गए हैं लेकिन अभी दिल बचपन का है। उन्होंने कहा कांग्रेस का यह स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस मुझे नहीं पता, हो सकता है कांग्रेस की स्थापना विदेशी ने की थी, इसी कारण तर्पण करने राहुल गांधी इटली गए हूँ। इस दौरान नरोत्तम ने गलत कार्य करने वालों पर सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि गलत कार्य करने वालों की खैर नहीं, साइबर सेल को कोरोना वैक्सीन में गड़बड़ी संबंधी आशंका की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने, और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। का धड़ी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑनलाइन वाला विषय साइबर शाखा को दे दिया है गृह विभाग में। जो भी इस तरह की गलती करेगा वो दंड का भागीदार होगा। अपनी मानसिकता आपके माध्यम से सरकार की मानसिकता अपराधियों तक पहुंच जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के गलत काम करने वाले की खैर नहीं है। काम किसी भी तरह का गलत होगा तो कार्रवाई होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।